मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी, लेकर गीतों भरी कहानी। आज आप जुबैर कुरैशी की लिखी गीतों भरी कहानी समाप्त करेंगे, झटका। बस का हॉर्न कानों में पड़ते ही मैंने मौसम बहार के भारी भरकम कपड़े उतार कर जीन की नई पैंट और सफेद कमीज, जो अबू ने मुझे पास होने पर तोहफे के तौर पर दी थी, पहन ली और बस अड्डे की तरफ रवाना हुआ, शहर जाने के लिए। जाड़े के मौसम में ठंड से बचने के लिए दो दो तीन जोड़ी कपड़े पहनना हमारे लिए कोई नई बात तो नहीं, मगर बाहर आते ही एक एक करके उन्हें इस तरह उतार फेंकना शुरू करते हैं मानो जैसे किसी कैद से रिहाई नसीब हुई हो। कुछ ऐसी ही कैफियत मेरी भी थी। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। बस स्टॉप घर के पास में ही था, मगर जितना वो नजदीक उतना ही मैं लेट। नजदीक रहने वालों को तो अक्सर देर हो ही जाया करती है। बस मुसलसल हॉर्न बजा रही थी, जो जो हॉर्न की आवाज मेरे कानों से टकराती मेरे पांव की रफ्तार उतनी ही बढ़ जाती। कहीं देर हो गई और बस छूट गई, पूरे दो घंटे के लिए दूसरी गाड़ी का इंतजार करना पड़ेगा। ये ख्याल आते ही मेरे कदम मजीद तेज होने लगे और कुछ ही लम्हों में बस स्टॉप पहुंचने में कामयाब हो गया। 300 चोलों पर मुश्तमिल कश्मीर के शुमाली पहाड़ों के दामन में बसे इस गांव में यही वाहिद बस स्टॉप था, जहां रोजाना मुसाफिर सुबह सवेरे ही जमा हो जाते और फिर शाम को यहीं से अपने अपने घरों की तरफ चल पड़ते। मेरे वहां पहुंचते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, गोया मेरा ही इंतजार कर रहा था। मैं जल्दी जल्दी बस की तरफ लपका और दरवाजे पर लगे एक चमड़े के बेल्ट का सहारा लिया, जो गाड़ी वाले ने हैंडल टूट जाने की वजह से आरजी तौर पर लगाया था। सारे मुसाफिर अपनी मनचाही सीटों पर पहले से काबिज बैठे थे। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई और सबसे पिछली सीट जो भी खाली पड़ी थी पर जाके बैठ गया। बस चल पड़ी। किसी भी गांव से शहर की तरफ का सफर बड़ा ही निराला होता है, और वो भी जब किसी बड़ी आबादी वाले गांव में से एक ही गाड़ी चलती हो। सभी मुसाफिर बातें करने में मशगूल थे, कोई महंगाई का रोना रो रहा था, कोई किसी सरपंच की नुक्तचीनी कर रहा था, तो कहीं सियासत पर गुफ्तगू हो रही थी। हालांकि सीट के ऊपर लगे साइन बोर्ड पर साफ साफ लिखा था कि गाड़ी में सियासी गुफ्तगू से परहेज करें, मगर नहीं, फुर्सत मिलते ही सियासत पे गुफ्तगू करना हमारे मिजाज का हिस्सा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, ओले ओले ओ। ड्राइवर ने रफ्तार को काबू में रखा था और कंडक्टर दरवाजे से शक कर बाहर मजीद सवारियों की ताक में था। हिचकियां ले लेकर सफर करते करते बस गांव की खामोश घाटियों को छोड़कर कस्बे की शोर शराबे वाली घनी बस्ती में दाखिल हुई। पुराने मुसाफिरों की जगह नए मुसाफिरों ने ले ली। मैं हर पड़ाव पे एक नई सवारी को चढ़ते उतरते देख रहा था और अपनी मंजिल का इंतजार कर रहा था। जब ही अचानक कंडक्टर की आवाज पर ड्राइवर ने बस रोक दी। एक नाटे कद का मोटा काला लंबे लंबे बालों वाला बूढ़ा शख्स सर पर टोपी पहने बस के दरवाजे पर नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक बैग था जो चीजों से खचा खच भरा हुआ था, गालिबन उसकी रोजमर्रा जरूरियात की चीजें थीं। उसने चढ़ते ही अपनी तिरछी नजरें गाड़ी में चारों ओर घुमाई।
बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ घंटे पहले मैंने दौड़ाई थी। मुझे तो सीट मिल गई थी, मगर जब उसे कोई भी सीट खाली न मिली तो उसने बस के बीचों बीच खड़ा रहने को अपना मुकद्दर समझा। इस बूढ़े शख्स के फटे जूते, मैले कपड़े और चेहरे पर अफसुर्दगी उसकी कहानी बयान कर रहे थे। उस बूढ़े का कमजोर जिस्म गाड़ी की हरकत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था। सितम जरीफी ये कि हाथ में भारी बैग, वो कभी उसे एक हाथ से संभालता तो कभी दूसरे हाथ से। गाड़ी मुसलसल अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में सड़क पर जहां कहीं खड़ा होता तो गाड़ी उछलती और इस बूढ़े शख्स को धक्के लगते। वो कभी खुद को संभालता तो कभी हाथ में पकड़े बैग को। मैंने देखा कि उसके इर्द गिर्द की सवारियां उसे तंग हुई नजर आ रही थीं। जब ही अचानक गाड़ी एक स्पीड ब्रेकर से ऊपर उछली, सबको धक्के लगे। उस बूढ़े शख्स का कमजोर जिस्म ये झटका बर्दाश्त न कर सका और वो सामने वाली सीट पर गिर गया। जरा आप सीधे रहिए, एक सवारी ने उस बूढ़े से कड़वे अंदाज में कहा। उसका यह जुमला सुन बूढ़े ने अपनी भुजी आंखों से उसकी तरफ देखा और जल्द ही खुद को संभालते हुए एक दो कदम आगे जाके खड़ा हो गया। इसके रवैये में लाचारी झलक रही थी। उसने किसी से शिकायत नहीं की। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। FM 2 103.5 MHz पर आप जुबैर कुरैशी की लिखी गीतों भरी कहानी समाप्त कर रहे हैं, झटका। मुझे उस बूढ़े की लाचारी पर बहुत तरस आया और मेरा जमीर मुझे कोसने लगा। मैंने अपनी सीट उसे देने का इरादा किया। कंडक्टर ने आवाज दी, लोत्से वस्ता। एक मुसाफिर जो बिल्कुल उस बूढ़े के सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था उतरने के लिए उठ खड़ा हुआ। मैं मन ही मन में खुश हुआ कि चलो उसको अब मजीद धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। मेरी खुशी की शायद यह भी एक वजह थी कि मेरी सीट सलामत थी। पर जो भी था ठीक था। मैं इन्हीं ख्यालों में था कि क्या देखता हूं कि एक और खड़ी सवारी ने उस बूढ़े शख्स को धक्का देकर सीट पर अपना कब्जा जमाने में एक सेकंड भी न लिया। कितना कठोर हो गया है आज का इंसान। इज्जत, हमदर्दी, सखावत और अपनेपन से कोसों दूर। गाड़ी में आदमी तो बहुत थे मगर मुझसे रहा न गया और मैंने अपना हाथ उस बूढ़े को इशारा करने के लिए उठाया कि आओ मेरी सीट पर बैठ जाओ। जो ही मेरा हाथ ऊपर उठा, मेरे पास वाली सीट पर बैठी सवारियों की सरगोशियां मेरे कानों से टकराई। देखो ना उस बूढ़े की तरफ, कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, भला ऐसी भी क्या गुर्बत। बगल की सवारी हां में हां मिलाती हुई बोली, अरे डोंगी हैं ये सब, लाचारी का नाटक करके उल्लू बनाते फिरते हैं लोगों को। ये जुमले मेरे कानों के पर्दे फाड़ने लगे। मेरे जिस्म में कपकपी तारी हुई, पूरे जिस्म में जैसे बर्की रौ दौड़ गई। मैंने वो हाथ जो इशारे के लिए उठाया था पलक झपकते ही अपनी कमीज के कॉलर की तरफ मोड़ लिया, जैसे उसे दुरुस्त करना हो। मानो मैं फर्क कर रहा था उस बूढ़े लाचार और खुद में। दिखाना चाहता था कि मेरे कपड़े साफ हैं और मैं उस बूढ़े की तरह नहीं। गरीब जान के हमको ना तुम मिटा देना, तुम्ही ने दर्द दिया, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना गरीब जान के। FM 2 103.5 MHz पर आप जुबैर कुरैशी की लिखी गीतों भरी कहानी समाप्त कर रहे हैं, झटका। इस दिखावे के आगे मेरा जमीर ठंडा पड़ गया। एक बार फिर झूठी शान शौकत जीत गई और इखलास, मोहब्बत और मुरव्वत छोटे पड़ गए।
उस बूढ़े की हिम्मत ने भी जवाब दे दिया था। अब गाड़ी का छोटे से छोटा झटका भी उसके कमजोर जिस्म से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसे धक्का लगता देखकर एक जोरदार रोशनी का शरारा नमूदार हुआ जो सीधा मेरी आंखों की पुतलियों से टकराता हुआ मेरे जिस्म में थरथराहट पैदा कर गया। उस बूढ़े की शक्ल की जगह मेरी शक्ल थी। मैंने सर को जोर से झटका दिया तो उस मुस्तकबिल के कठोर सच से बाहर आया। कल यही हाल मेरा और गाड़ी में सभी मुसाफिरों का भी हो सकता है। मैं खुद को बेखैरत समझने लगा, अपनी ही नजरों में गिर गया था। मेरा जमीर मुझे बार बार कोस रहा था। मजीद ताखिर किए बगैर मैं उठ गया और सीट के नीचे से अपना बैग निकाला और अजीब सी खुशी महसूस करते हुए उस बूढ़े को आवाज देने के लिए मुड़ा। लेकिन उस बूढ़े ने कंडक्टर को गाड़ी रुकवाने का इशारा किया और उतरने के लिए दरवाजे की तरफ चल पड़ा। जिसने सब को रचा अपने ही रूप से उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह जाने।